रामपुर थाना भोट इंची की मड़ैयों में सरकारी जमीन कब्जाने का मामला सामने आया है। दरअसल गांव के ही निवासी लोग आज रामपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने बताया कि गांव के ही निवासी मनोज रामचरण हल्का लेखपाल की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। दरअसल लेखपाल का तो ट्रांसफर हो चुका है, उसके बावजूद भी दबंग जमीन पर कब्जा बनाए हुए हैं। यही नहीं, जमीन पर दबंगों ने पिलर भी बनवा लिए हैं। इस सारे मामले को लेकर जब गांव के ही निवासी बाबूराम ने इसका विरोध किया तो बाबूराम के साथ दबंगों ने मारपीट की। दरअसल ग्रामवासी काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि हमारे घरों का पानी इसी सरकारी जमीन में जाता है, जब से दबंगों ने कब्जा किया है बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की मांग है सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए। लगातार गांव के ही लोग अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, दबंग लगातार कब्जा बनाए हुए हैं। देखिएगा क्या कह रहे हैं ग्रामवासी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी बाबूराम है जी। बाबूराम जी क्या मामला हुआ आपके साथ? पूरी ये मामला ये सागर साहब का एक सरकारी संपत्ति पड़ी हुई है जी ग्राम सभा, उस पर अगला आदमी मतलब जो है क्या उस पर कब्जा करना चाह रहा है और वो जबरदस्ती से मतलब उसमें पिलर वुलर उन्होंने गाड़ रख रखे हैं। मैंने मना करा तो 9:30 बजे बना रहा था रात के, ठीक। फिर मतलब मैंने मना करा, मुझे पता लगा तो मैंने मना करा तो मतलब मेरे ये मारा उसने उठा के नहीं ये चौका बोला कैसा लगे तू कौन होता है ये सरकारी चीज है मतलब मैं बना रहा हूँ तो साहब। अच्छा तो कहीं शिकायत की थी आपने? हाँ शिकायत भी तो मतलब खैर वो फिर हम थाने पहुंचे जब जहाँ चोट लग गई कम से कम मैं 4-6 दिन मतलब वहाँ रामपुर अस्पताल में रहा सरकारी वाले में। फिर उन्होंने रेफर कर दिया मुझे मुरादाबाद में मतलब इलाज कराया। फिर मैंने आपको जरा ठीक हुआ हूँ थोड़ा सा तो साहब मेरी इन्होंने मतलब बहुत परेशानी थी मतलब फिर ये रामचरण है मनोज है वीरपाल है संतोष है ये 4-5 लोग हैं जी। तो लेखपाल जो है उसमें क्या कर रहे हैं? लेखपाल ने साहब उन्होंने को थोड़ा सा सहारा दे दिया गुल्ले खा लिया होगा उन्होंने शॉर्टकट कर ली है क्यों साहब। लेखपाल ने मतलब थोड़ा भरोसा दे दिया उनको तो उसमें अभी काम चल रहा है रुक गया काम तो इस वक्त तो रुका हुआ है। खैर रुका हुआ है? हाँ इस वक्त रुका हुआ है। तो वहाँ पर क्या था कि जगह मकान बना रहे हैं अपना? ये मतलब वही गड्ढा पड़ा हुआ है गड्ढा उसमें पानी ज्यादा हम लोगों का पानी रोक रहे थे वो तो मैं बताओ अगर सीसी में भरूं पानी रोक गया करूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मतलब कजरा का मजरा है इंची मड़ैया। थाना कौन सा लगता है? थाना भोट लगता जी। हाँ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाँ अभी जो बना दिया है अधबना काम है वो ऐसे बना पड़ा है। क्या नाम है आपका? राम रतन। क्या मामला हुआ पूरा बता? ये ऐसा की ग्राम सभा पड़ी हुई थी इसमें कब्जा कर लिया बेहतर से और गांव वालों धमकी दिखाता तरीके से कि मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा थाना मेरे अंडर में आएगा लेखपाल मेरे अंडर में सारे कर्मचारी समझे तो मेरा कुछ नहीं होगा मैं चाहूँ यहाँ बना सकता हूँ। इसलिए वो नहीं इसका नाम है मनोज और एक रामचरण और वीरपाल इन लोगों ने दबंग किस्म दिखाते हैं और झगड़ा भी करा था हमारे चाचाजी की चोरी मारी थी नाक काट दी थी समझे और अस्पताल में भर्ती रहे 8-7 दिन वो उसके बाद हमने उसके घर पर लेकर दूसरे अस्पताल में ले गए थे रात चलाया उनको और अभी जो कहता था तुम मेरे क्या कर लोगे समझे वो दबंग किस्म का व्यक्ति और दरखा देते रहा खिलाफ और अधिकारियों परेशान करता और दरखा दिया कभी दरखा इस वीडियो को दे दी कहीं को दे दी इसलिए वीडियो परेशान हो गए इससे कई बार गांव पहुंची हूँ कहते तेरा धंधा यही रहता है दरखा देता बार बार। और 45 नंबर तालाब है उसमें लेखपाल ने खेती करा रहे हैं लेखपाल मिल के वीरेंद्र चौधरी लेखपाल है उसने अंदर जो गाँव में एक तालाब था वहाँ मकान बने हुए वो मकान पक्के मकान लेंटर के वो गिरवा दिए उसने लेखपाल ने समझे मौजूदा आगे खड़े हो गए उसने सारे आप तहलदार भी के साथ में उन्होंने सारा मिलकर मकान गिरा दिए थे समझे। अब लेखपाल इसमें तो है नहीं मौजूद और दूसरा नया आ गया वो सही है खैर उसकी बात नहीं है पर लेखपाल ने बहुत गलती करी है क्योंकि उससे सांठगांठ कर दिया जो मकानों खतौनी बनने की नहीं उसकी खतौनी बनाई लेखपाल ने और खाली जगह खतौनी बनाकर दे दी सरकारी जगह की घरों ने बना के दे दी। क्या नाम है आपका? ओमवीर सिंह नाम है मेरा। ओमवीर सिंह आज कलेक्ट्रेट आएंगे क्या मामला? जी एक गांव में जमीन पड़ी है साहब थोड़ी सी सरकारी जमीन है सभी लोगों का पानी जाता है उसमें और सभी सार्वजनिक जमीन है वो सभी लोगों की सभी लोग यूज करते हैं उसको
इस और सभी लोगों का पानी जाता है, इसने रामचरण ने और मनोज ने उस पर कब्जा कर रखा है और ये कह रहे हैं कि जो चाहे वो कर लो, हम कब्जा नहीं छोड़ेंगे। सरकारी जमीन है, वो 100 साल से पड़ी है ऐसी, सब लोग उसको यूज करते थे ऐसी, कोई पानी जाता है, पानी सभी का पानी जाता है उस पर, 100 साल से ऐसी पड़ी है वो, आबादी की जमीन है वो। लेखपाल के बाद क्या बोले? लेखपाल पुराना लेखपाल था वीरेंद्र चौधरी, उसने सांठ गांठ कर रखी थी, वो उन लोगों को सह देता था कि आप बनाओ मैं देखूंगा कौन क्या करेगा, उन जबरदस्ती उनसे मकान बनवाता था। तो अब कौन है लेखपाल? अब तो नए लेखपाल हैं, अब तो ठीक हैं वो बेचारे। अब काम रुक गया? जी हाँ, काम रुका हुआ है इस समय। उसको मुक्त क्या होना है कि हम तो ये चाहते हैं वो मुक्त हो जाए और जो लोगों का पानी जा रहा है उसमें पानी चला जाए, और क्या सरकारी जमीन है सरकार के उसमें आ जाए। पानी अभी रुका हुआ है? पानी रुका हुआ है, किसी का पानी नहीं जा रहा है, रास्तों में पानी खड़ा है सबका। शिकायत डीएम साहब को की, एसपी साहब को की, सभी लोगों को शिकायत की, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाली, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, शिकायत ही कर रहे हैं आज तक। अभी तक जी जी आज भी शिकायत करने आए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।